इसके पीछे होती है, इसके पीछे होती है। आप तशरीफ लाए हैं, चलो आप हमारे भाई हैं, बड़ी मेहरबानी, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मगर बात यह है कि डॉन न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक 1600 वारदातें हुई हैं क्वेटा में हमारे खिलाफ, ठीक है। आज तक मैं तो हैरान हूं कि आप, आपके पास कहने को क्या है। प्राइम मिनिस्टर साहब आए, वफाकी वजीर दाखिला साहब आए, चार फेडरल मिनिस्टर यहां आए, उन्होंने यकीन दहानियां की। आर्मी चीफ साहब को हमने यहां बुलाया, वो आए, उन्होंने यकीन दहानी की। हम अब किसकी बात पर यकीन करें, चले आप बताएं, है आपके पास इसका कोई जवाब? हमारे पास इसका जवाब ये है, देखिए जब से ये हुकूमत आया है ऐसे ऐसे मसले थे जो 10-10 साल से पड़ी हुई थी, जिस तरह बलोच लवाइकिन का मसला था, उसमें जो है मिसिंग पर्सन, उसका मिसिंग पर्सन का, उसका जो है तकरीबन 50% से ज्यादा मसला हल हो चुका है। जो अरमान लूनी का कत्ल था, उसका साफ मालूम है कि बलोच मिसिंग पर्सन कौन कर रहा है, कौन मिसिंग कर रहा है, कौन ले जा रहा है, हम आपको ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। ये जो नाम नेहाद दहशत गर्दी है, ये जो वॉर पॉलिटिक्स शुरू की गई है, ये कुरान शरीफ अभी लाता हूँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। देखिए, दुनिया की 8वीं बड़ी फौज और एटमी ताकत, हम कैसे माने कि हर 10 कदम पर आपके वॉर ड्रेस पहने जंगी लिबास में मुसल्ला खड़ा है और नामालूम 20 साल तक नामालूम की हुकूमत रही है। यहाँ जहां चाहते हैं, जब चाहते हैं, वो लोगों का कत्लेआम करते हैं, तो रियासत कहाँ है? है इसका किसी के पास जवाब? वाकई रियासत से कमजोरी, आखिर आप बलोच हैं, आप बलोच हैं, बलोची इज्जत, बलोची और बलोची जमीर कहाँ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बात यह है, 800 से जाए तो पुलिस वाले मारे गए हैं, ये पुलिस वालों को किसने मारा है? आज तक आपने किसी पुलिस वाले का एक कातिल पकड़ा है? नहीं। आप चार बजे इनको दफन कर देंगे, 2-2 लाख रुपए दे देंगे कि अल्लाह इनको बख्शे। ये जो रिवायती बातें हैं, ये हमने बहुत सुनी है। ये सब कुछ आप उस वक्त बंद होगा जब मुक्तदर कुवतें चाहेंगी। ये वॉर पॉलिटिक्स है, हमें कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल आप वाजे तौर पर आपको कहता हूँ। और मैंने आर्मी चीफ को भी ये बात कही है, वो कुद्दूस में जो मौजूद है, आप उससे पूछ लें। मैंने उनको कहा कि हमारा कत्लेआम न इस्लाम का झगड़ा है, न फिरकावारियत है, ये आप करा रहे हैं। वो आपके वजीर दाखिला जो थे, क्या नाम था, भुट्टी साहब, सरफराज भुट्टी, वो भी तशरीफ फरमाते, उनके सामने मैंने आर्मी चीफ को कहा और उन्होंने ये कहा कि हम मानते हैं गलतियां हुई हैं, आप उनसे पूछ ले। अगर वो ये नहीं मानेंगे तो फिर आप समझे मैं झूठ बोल रहा हूँ। बात यह है कि हमें तहफ़ुज़ कौन देगा? सूबाई हुकूमत की तो कोई हैसियत ही नहीं है यार, इसको तो हम मानते ही नहीं है। कौन सी सूबाई हुकूमत? आप तो खुद बुरा ना लगे आपको, आप तो नामालूम के पैरों भी लगे, रोजाना हम लोग कत्ल हो रहे हैं, बुरा लगे, अच्छा लगे? नहीं नहीं, हमारा ये है आप लोग के साथ, हम आए हैं एज ए हुकूमत की तरफ से, हम जितना भी हुकूमत, आप गारंटी दे सकते हैं क्या आइंदा नहीं होगा? आप गारंटी दे सकते हैं? अभी हम फारिग होते हैं, अभी हम चले जाते हैं, दे सकते हैं आप गारंटी? जो आप कहेंगे वो वही हम खत्म हो जाएंगे। हमने आपने उठाने, हमने क्या कदम उठाने? एक मिनट हमें सुनो, पहले उठाने कदम हम उठाएंगे, कदम आपने उठाने, आप हमें निशान दे, आप हमें बताएं, आप ये कहें कि हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार, सूबाई हुकूमत हमें गारंटी दे, हम अभी चले जाते हैं। सूबाई हुकूमत आपको ये गारंटी दे सकता है कि हम आपके जो दुश्मन है, जो हमारा कोई दुश्मन नहीं है, जो मेरा, मैं इसमें मेरा बरादरी भी शामिल, दहशतगर्दी के शिकार है, दहशतगर्दी में मेरे भी बरादरी के शहीद हुए,
मरी हाँ। उसमें ये है हाँ। उसमें पश्तून बरादरी के भी थे, आपके हजारा बरादरी के भी थे, सब है पता है। इस टाइम उन्होंने जो दहशत गर्दों ने करना है उन्होंने तो कर दिया, बजाय हम ये कहते हैं कि हम एक इंशाल्लाह कुछ बातें ऐसी हैं हम ओपन नहीं कर सकते,